हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबरवर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावरपॉइंट के पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड ब्लॉक, स्लाइड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक को बता दिया है और साथ ही पावरपॉइंट में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज के बारे में भी बता दिया है। आज हम सीखेंगे एमएस पावरपॉइंट के पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। इस ब्लॉक में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, चलिए बारी बारी से हम इन सारे ऑप्शन के बारे में सीख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पैराग्राफ ब्लॉक अभी पूरी तरह से हाइड है, क्योंकि पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले वो पेज को सिलेक्ट करना होगा, यानी स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा, स्लाइड पर कुछ डेटा को फिट करना होगा। उसके लिए मैंने स्लाइड पर टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लिया है, जो एक ब्लैंक स्लाइड पर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। जैसे ही आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिखे गए टेक्स्ट के बीच में कहीं भी अपने माउस के कर्सर को ब्लिंक करा रहा हूँ, सारा पैराग्राफ ब्लॉक का ऑप्शन अनहाइड हो चुका है। तो बारी बारी से हम इन सारे ऑप्शंस को सीख लें। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बुलेट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए पहले बुलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही बुलेट के बगल वाले ड्रॉपडाउन बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने काफी सारे बुलेट शो करें। आप जिस भी बुलेट को इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता, इस तरह से आप यानी किसी भी टेक्स्ट के पहले बुलेट को आसानी से इंसर्ट। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अगर आप चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट के पहले नंबर को इंसर्ट करना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली नंबर के बगल वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने इतने सारे नंबर के ऑप्शन शो करेंगे, आप यहाँ से आसानी से किसी को भी सिलेक्ट कर एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट नंबर, और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा ये खुद से 2 फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ टाइप कर उसके बाद फिर से एंटर कीजिएगा, तो आपका 3, 4। इस तरह से आपने सीखा बुलेट और नंबर को इंसर्ट करना है। तो हम Ctrl+Z से एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। इस तरह से आपने सीखा बुलेट और नंबर को इंसर्ट करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लाइफ। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं, या अगर आपका टेक्स्ट कभी राइट टू लेफ्ट या सेंटर में है, तो आप उसे लेफ्ट में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सिलेक्ट है, इसलिए हमारा ये सारा लिखा हुआ टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट है। अगर आप चाहते हैं हमारा ये लिखा हुआ सारा टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हो, तो सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अलाइन राइट टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और आप देख सकते हैं हमारा सारा लिखा हुआ टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हो चुका है। इस तरह से आपने सीखा लेफ्ट और राइट अलाइन ऑप्शन का यूज करना। उसके बीच में हमारा एक ऑप्शन है सेंटर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। चाहते हैं कि डायरेक्टली हम सेंटर से ही लिखें, तो उसको आप सिलेक्ट कर आसानी से सेंटर में कर सकते हैं। इसीलिए आपको सिंपली सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सेंटर पर क्लिक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये सारा टेक्स्ट सेंटर से लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने टेक्स्ट को लिखे गए टेक्स्ट को सेंटर में किया, तो लेफ्ट और राइट से काफी मार्जिन छोड़ा गया। अगर आप चाहते हैं हमारा ये टेक्स्ट एक अच्छे लुक में आ जाए, अच्छे तरह से लिखा रहे और दोनों साइड इक्वल रहे, तो उसके लिए आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल है, आप उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली जस्टिफाई पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों काफी अट्रैक्टिव शो कर रहा है। इस ऑप्शन के हेल्प बेसिकली हम डॉक्यूमेंट को तैयार करने में डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और अच्छा बनाने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस कॉलम वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट अलाइन में सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम आसानी से इसे कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। सिंपली हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं और 2 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया पैराग्राफ 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाए, जैसे ही आप 3 कॉलम पर क्लिक करते हैं, तो हमारा देख सकते हैं ये लिखे गए टेक्स्ट 3 कॉलम में डिवाइड हो गए। इस तरह से आपने सीखा कॉलम ऑप्शन का यूज करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लिस्ट लेवल। इस ऑप्शन को यूज करने से मैं अपने पावरपॉइंट में रूलर को शो कर लेता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको व्यू पर क्लिक करना है और रूलर के सामने वाले चेक बॉक्स को चेक कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रूलर शो कर रहा है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें इंक्रीज और डिक्रीज लिस्ट लेवल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये माउस का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और आप चाहते हैं हमारा ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें कुछ दूरी के बाद से ये टेक्स्ट लिखा रहा है, यानी हमारा इतना दूर का लाइन छोड़ा रहे, आप अपने टेक्स्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इंक्रीज लिस्ट लेवल पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया टेक्स्ट आगे की तरफ जा रहा है और उसी को यहाँ पे इंडेंट शोर कर रहा है। आप इसे माउस से भी कर सकते हैं आसानी से, जैसा कि आप देख सकते हैं।
इसी तरह आप अगर चाहते हैं यहाँ पे भी इसे आगे ले जाना तो आप आसानी से ले जाए। और हमारा इसी में ऑप्शन है डिक्रीज लिस्ट लेवल, यानी इंक्रीज की हुई अगर लिस्ट लेवल को आप डिक्रीज यानी घटाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे वापस ला सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा इंक्रीज और डिक्रीज लिस्ट लेवल के बारे में। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट की लाइन की स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको सिंपली जिस भी लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा करना है उसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने इतने सारे ऑप्शन शो करेंगे, आप बारी बारी से जिस भी लाइन स्पेसिंग को यूज करना चाहते हैं आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने सीखा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के बारे में। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारा टेक्स्ट पहले से ही सिलेक्ट है, तो आपको सिंपली टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे सामने चार ऑप्शन शो करेंगे। हमारा डिफॉल्ट रूप से हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं इसे 90 डिग्री पे यानी 90 डिग्री पे रोटेट करना या 270 डिग्री पे रोटेट करना तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इस तरह से आपने सीखा टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन का यूज करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को टॉप, मिडल और बॉटम में कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं आपको दूसरे स्लाइड पर ले चलता हूँ, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पर टाइटल और कंटेंट की स्लाइड पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे ही टेक्स्ट अलाइन पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा डिफॉल्ट रूप से मिडल लेफ्ट है, क्योंकि हमारा ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के मिडल यानी बीचों बीच लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ बॉक्स के अप में रहे टॉप में यानी टॉप, तो इसके लिए आपको टॉप पर सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया टेक्स्ट टॉप पर चला गया। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं हमारा ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो बॉटम में आ जाए तो आप बॉटम में आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आप टेक्स्ट को टाइप कर लिया है वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और यहाँ पे मैंने साइबर वर्ल्ड लिखा है। अब मैं आपको इस लिखे गए टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी वर्ड को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप जिस भी स्मार्ट आर्ट में इसे डेकोरेट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये कैसे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप काफी आसानी से केमिस्ट्री के फॉर्मूले और काफी सारे फॉर्मूले को भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा पैराग्राफ ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।